बिहार के पूर्णिया में छठ पूजा पर उपद्रव करने वालों का सांसद पप्पू यादव ने बचाव किया है। वोट बैंक की राजनीति में पूर्णिया सांसद ने उपद्रवियों की इस करतूत को बचकाना हरकत बताया और उल्टा बीजेपी पर ही गंभीर आरोप लगाए। पप्पू यादव ने कहा कि इसको धर्म या जाति से नहीं जोड़ना चाहिए, इसमें कुछ नाबालिग बच्चों ने इस तरह की बचकाना हरकत की है। बीजेपी वाले हर चीज को धर्म और राजनीति से ही जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि रात में ही डीएम एसपी वहां पहुंच गए थे, उनकी भी डीएम से बात हुई थी और सारा मामला शांत हो गया है। जो भी आरोपी थे सभी की गिरफ्तारी हो गई है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके आगे पूर्णिया सांसद ने कहा कि बीजेपी हर मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देती है, कुछ नाबालिग बच्चों ने इस तरह की बचकाना हरकत कर दी तो बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। वहीं पूरे घटनाक्रम के बाद तनाव से जुड़ा दो वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में छठ घाट पर इधर उधर बिखरे केले के पत्ते और पूजा की सामग्री को देखा जा सकता है। वहीं दूसरे वीडियो में पूरे घटनाक्रम के दौरान भड़के लोगों के गुस्से को देखा जा सकता है। इस वीडियो में छठ घाट पर जुटे लोगों की भारी भीड़ और बवाल देखने को मिल रहा है। वीडियो में पुलिस को लोगों को समझाते और गुस्से को शांत कराते देखा जा सकता है। बता दें कि पूर्णिया के बायसी प्रखंड के हरिनतोड़ पंचायत अंतर्गत माली गांव में मुस्लिम समाज के कुछ युवकों ने 7 नवंबर की रात को छठ व्रतियों पर हमला किया था। उपद्रवियों ने छठ घाट पर लगाए गए केले के पेड़ को तोड़ दिया था, पूजा सामग्री को इधर उधर फेंक दिया था और छठ घाट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमला करते हुए वे लोग एक विशेष नारा भी लगा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे थे। बायसी में हिंदुओं पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। 19 मई 2021 को बायसी थाना क्षेत्र के मछुआ गांव में विशेष समुदाय के 150 से अधिक लोगों ने महादलित टोले पर हमला किया था और उनके घरों को आग लगा दिया था, जिसके बाद अब छठ पूजा में उपद्रव फैलाया गया है। वहीं अब इस मामले में पप्पू यादव ने उपद्रवियों को नाबालिग बताते हुए उनकी इस घटना को बचकाना हरकत बता दिया है।